फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अर्तुगरुल कास्ट की रियल लाइफ की वीडियो दिखाऊंगी जब ये लोग सैलून में होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंगिन अल्तान की वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये अपने हेयर कट और अपनी दाढ़ी शेव करवाने के लिए आए हुए हैं। ये वीडियो कटिंग के बाद की है, इन्होंने क्लीन शेव भी करवा ली है। आप लोगों के ख्याल में ये दाढ़ी में ज्यादा अच्छी लगती है या क्लीन शेव बेटर है? इंगिन के ये फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट हैं और ये उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इंगिन अपनी पार्टीज में भी इन्हें इनवाइट करते हैं और शूटिंग के सेट पर भी ये आपको इंगिन के हेयर सेट करते दिखेंगे। सलजान अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ बहुत ही मस्ती करती है। इनका ये स्पेशल स्टाइल है अपने हेयर स्टाइलिस्ट को थैंक्स कहने का। ये बहुत फनी है और बहुत ज्यादा फन करती है। इस वीडियो में ये अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कह रही है, ओह माय गॉड, मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, हम ये क्या कर रही हैं? इस वीडियो में हेयर स्टाइलिस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि आपको बाल कैसे लग रहे हैं, तो ये कह रही हैं कि पहले तुम मेरे बालों से खेल लो, उनको अच्छी तरह से बिगाड़ लो, फिर पूछना कि आप कैसे लग रहे हैं। ये बालों को सेट करके उनसे खेलता है, सारे लुक खराब करके बालों को अच्छी तरह से बिगाड़ के मेस्ट अप करके पूछता है कि आप कैसे लग रहे हैं। इसको बालों से खेलने का बहुत शौक है और लगता है कि इसी खेल खेल में ये प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी बन गया है। नेक्स्ट मैं आपको बुरसुर कराटनी की वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ ये अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कह रही हैं कि शूटिंग के दौरान मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो गए थे, लेकिन जिस तरह से आप मेरे बालों की केयर करते हैं उससे बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये कहती हैं कि डिफरेंट हेयर स्टाइल बनवाना मेरे लिए बहुत फन है और मैं इस चीज़ को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करती हूँ, और हेयर स्टाइल बनवाने का पार्ट मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है। इसरा के हेयर स्टाइलिस्ट भी यही हैं और इनके सैलून का नाम द रूम हेयर डिजाइन है। इसरा कहती हैं कि मैं इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं इनकी चॉइस पर बहुत ही जल्दी कन्विंस हो जाती हूँ, और तुर्की के ये बहुत ही फेमस हेयर ड्रेसर हैं और बहुत सी सेलिब्रिटीज इनके पास भी आती हैं, वो इनके साथ पिक्चर्स भी बनवाते हैं। इसरा यहाँ मेकअप सेक्शन में है और ये बताती हैं कि मैं मेकअप प्रोडक्ट बहुत कम यूज करती हूँ और मेकअप के लिए ये ज्यादा किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। असली हान का करेक्टर प्ले करने वाली लड़की के हेयर स्टाइलिस्ट डिफरेंट हैं और ये हेयर स्टाइलिस्ट भी तुर्की के बहुत ही फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इनके हेयर स्टाइलिस्ट भी बहुत ज्यादा फन करते हैं और ये अक्सर ही अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहती हैं। और इस वीडियो में इंगन बता रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इजमिर में रहता है और उसने मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज दी है कि इजमिर में एक न्यू थिएटर ओपन हो रहा है और मेरी दुआ है कि उसमें बहुत से लोग आए और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी उस थिएटर के स्टेज पर परफॉर्म करूंगा। और अब मैं आपको वांसी की ये वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें वो रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपने ऑर्गन्स का मसाज करके अपने इंटरनल बॉडी का इस तरह से इलाज कर सकते हैं। आपको वामसी की बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये बहुत जबरदस्त टेक्निक अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। और ये बता रहे हैं कि मैं ये बहुत रेगुलर करता हूँ और इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही लंबी है जिसमें इन्होंने सारी डिटेल बताई है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।